हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ काफ़ी अच्छे होंगे। ये बेहतरीन क्लास चल रही है हमारी, ठीक साइंस की। इसी साइंस के सीरीज़ में हम आ चुके हैं अपने पार्ट सेवन पे। पार्ट सेवन आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट तो है, साथ में इंटरेस्टिंग है काफ़ी ज़्यादा। आपको करने में इससे मज़ा आएगा। मज़ा क्यों आएगा? क्योंकि ये बेहतरीन है। कैलकुलेशन ऑफ इक्विवेलेंट टोटल रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस कुल प्रतिरोध कैसे निकालें। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन में प्रॉब्लम थी बच्चों को, उन्होंने मुझे सेंड भी किया है। इसी वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सारी चीज़ें आपकी। आपने बोला था अलग से एक वीडियो बनाओ, उसके लिए वीडियो बना हुआ है ये। इसमें हमें कैसे निकालना है कुल प्रतिरोध, इसका कुल प्रतिरोध कैसे निकालेंगे, ये अब मैंने आपको करवाया था। समांतर क्रम में कैसे निकालना है, इसमें कैसे निकालेंगे, कुछ क्वेश्चन हैं। साथ साथ आप नोट्स बनाते चलोगे, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके 10th क्लास से लेकर के 12th क्लास तक के। आगे के भी जितने भी आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स होते हैं, सब में क्वेश्चन पूछ देते हैं। धारा निकालने के लिए, RS निकालने के, रेजिस्टेंस निकालने के लिए, जो कि इलेक्ट्रिकल में तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं, अपने इस क्लास के साथ स्टार्ट करते हैं। ठीक, ये देखिए पहला क्वेश्चन आ गया। बोला गया कि ए तथा बी के बीच प्रभावित प्रतिरोध। भैया तो प्रभावित प्रतिरोध क्या होता है? यही होता है कुल प्रतिरोध। क्या होता है ये? कुल प्रतिरोध क्या होता है आपका? ये कुल प्रतिरोध होता है, या फिर तुल्य प्रतिरोध। क्या होता है ये? तुल्य प्रतिरोध होता है। बोला गया इसमें कुल प्रतिरोध निकालो ए बी के बीच में। ए कहाँ है? ये रहा ए। बी कहाँ है? तो बी आपका ये रहा बी। अब देखो इसमें हमें कुल, अगर मैं सब कुल का मतलब हुआ क्या, अगर मैं इनको हटा के, जैसे मैंने बोला कि आपको, आप 1 किलो मुझे सामान दे दो कोई। मैंने बोला आपको 1 किलो मुझे चीनी चाहिए, सपोज 1 किलो चीनी चाहिए। तो आपने बोला भैया 1 किलो का वजन तो मेरे पास है नहीं, मैं ऐसा करता हूँ मेरे पास दो वजन है, दो वजन है मेरे पास 500 ग्राम के। तो मैंने बोला कोई बात नहीं, दोनों को आप रख दो। रखने के बाद क्या हो जाएगा, 1 किलो के बराबर ही तो होगा वो। यहाँ पर अगर मैं इन सबको हटाना चाहता हूँ, भी इतना बड़ा नहीं लगाना है मुझे, मैं इनकी जगह खाली एक लगा दूंगा। इनकी जगह क्या कर दूंगा मैं, यहाँ पर ए है मेरा, इनकी जगह एक ही मैं इनके बराबर, एक में इनके बराबर, जो भी जितना सॉल्व करने पे आएगा उसके बराबर में एक लगा दूंगा यहाँ पे, एक यहाँ पे एक प्रतिरोध लगा दूंगा। तो मुझे बताओ ये एक प्रतिरोध कितना, इसका कितना, इसका वैल्यू होनी चाहिए, इसका मान कितना होना चाहिए यहाँ पे। ऐसे थोड़ी लगा दूंगा, बंद करके सामान खराब हो जाएगा मेरा। चलो तो मैंने देखा, तो आपने बोला मुझसे कि भैया देखो 1 ओम, 1 ओम और ये 1 ओम, तीनों आपके लगे हैं किसमें, ये तीनों लगे हुए हैं। मैं इसे R1 मान लेता हूँ, इसको मैं R2 मान लेता हूँ, इसको R3। ठीक, यही सेम चीज़ यहाँ भी लगा हुआ है, इससे मैं R4 मान लेता हूँ, R5, R6 और R7, 7 प्रतिरोध लगे हुए हैं यहाँ पे। तो 7 प्रतिरोध को सॉल्व करेंगे। तो आपने बोला कि देखो भैया R1, R2, R3 ये हो गए, और साथ साथ में, और आपने ये भी बोल दिया मुझसे R5, R6, R7, ये दोनों के दोनों कैसे हैं, ये समांतर क्रम में लगे हैं। कैसे लगे हुए हैं? समांतर में, एक दूसरे के साथ साथ लगे हुए हैं, पार्श्वक्रम में लगे हुए हैं, यानी कि समांतर क्रम में हैं ये। ठीक, समांतर क्रम में तो आपको फॉर्मूला पता है 1/RP कैसे निकले। देखो अभी इसको जितना निकालोगे वही तो इतना होगा, इसे सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम एक ही बार में सॉल्व हो जाएगा। आपने बोला 1/R1, बेहतरीन सवाल है ये, करने में बहुत ही मजा आएगा आपको, देखना अभी। R3 तो आपने बोला 1/RP, 1/1 प्लस 1/1 प्लस 1/1, अभी कर लोगे 12th में आपको दिक्कत नहीं होगी बिल्कुल भी। ठीक, साथ साथ 10th में तो करना ही करना है हमें। 1 + 1 + 1 तो क्या हो जाएगा, 3 3/1, तो 1/RP कितना हो गया, 3/1। अब RP निकाला आपने तो क्या हो जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा, चेंज कर देंगे। जैसे ही चेंज करा आपने, चेंज करने के साथ क्या हो गया, 1/3, यानी 1/3 हो गया। RP निकल आया, RP का मतलब क्या है, RP1, ये पूरा का पूरा RP आ गया। इसका भी RP कितना होगा, इतना ही तो होगा ये। अब क्या बन गया, अब मैं इस देखो इसी पूरे नेटवर्क को मैं चेंज कर देता हूँ। मैंने बोला भैया हमारा इतना आ गया कितना, 1/3, ये कितना है हमारा, 1/3 है। आपने बोला ठीक है, मैंने बोला ये 1 ओम है, आपने बोला ये भी सही है। मैंने बोला इनकी जगह पे, इसकी जगह पे क्या होगा, 1/3 ये भी हो जाएगा। तो आपने बोला हाँ ये सही हो गया, थोड़ा सा छोटा हो गया पहले वाले से, पहला वाला काफ़ी कॉम्प्लेक्स दिख रहा था आपको। अभी चलो अब देखो क्या, ये 1, 2, 3 हो गए, अब तीनों लगे हैं किसमें, श्रेणी क्रम में लगे हुए हैं। श्रेणी क्रम में कैसे हो जाएंगे, फिर से श्रेणी क्रम में फॉर्मूला आपको पता है। अब ये तीनों किस में लग गए, श्रेणी क्रम में, किस में लगे हुए हैं, श्रेणी क्रम में। कैसे लगे हुए हैं ये, श्रेणी क्रम। आपने बोला भाई श्रेणी क्रम में जब लगे हैं तो फॉर्मूला मुझे पता है सीधे, R1 + R2 + R3। मैंने कहा ओके चलो ठीक है, पुट कर देते हैं इसका तीनों का फॉर्मूला, ये 1/3, 1 + 1/3। अभी पुट करेंगे तो देखो कैलकुलेशन आप भी करते रहो, गलत होगा तो मुझे बताना कमेंट करके कि गलत हो रहा है ये सही हो रहा है। ठीक, कुछ आपका रिस्पांस तो होना चाहिए ना, कि ऐसे निर्जीव की तरह देख रहे हो क्या, बिल्कुल ही 1/3 तो लगे, हाँ आप भी जिंदा हो, आप भी चल रहे हो। यहाँ पर 3 हो जाएगा, थोड़ा सा होना चाहिए, मोटिवेट होते रहो हमेशा, चीज़ों को अच्छी तरीके से दिमाग में सोचते रहो और करते रहो, कुछ उम्मीद रख के करना चाहिए ना चीज़ों को। 3 हो गया, यहाँ पे क्या है 1 + 1, निर्जीव की तरह मत करो चीज, निर्जीव रहोगे तो कुछ नहीं होगा। 3 × 1 = 5, 5/3 कितना आ गया आपका, 5/3। अब मैंने बोला भैया इसकी जगह पूरा आप क्या कर सकते हो,
5/3 ओम का प्रतिरोध लगा सकते हो, ठीक। यही हो जाएगा आपका कुल प्रतिरोध, कितना हो, क्या हो गया, कुल प्रतिरोध हो गया, तुल्य प्रतिरोध हो गया। ये बात क्लियर हुई यहाँ पे आपको, कितना बेहतरीन क्वेश्चन। कोई भी डाउट होगा आप बताना मुझे। चलिए आपके ये दूसरा क्वेश्चन भी लेके आए, वैसे कई सारे क्वेश्चन करेंगे हम इसमें, मजा आ जाएगा आपको। यहाँ भी ए बी ए दिया हुआ है आपको, ए बी के बीच में फिर लगाना है तुल्य प्रतिरोध, यानी कि इन्हें हटाओ, आप एक बनाना है आपको ऐसा। ऐसा बनाने के लिए फिर से आपने बोला भैया देखो आर वन आर टू आर थ्री और आर फोर, तो जब ऐसा है तो पहले हम ऊपर वाले को सॉल्व करेंगे इसको। यहाँ पे तीन तीन एक साथ क्या लगे हैं, तो आपने बोला कि आर वन और आर टू ये श्रेणी क्रम में लगे हैं। कैसे लगे हैं, श्रेणी क्रम में लगे हुए हैं। और आर थ्री और आर फोर ये भी कैसे लगे हैं आपस में, ये भी श्रेणी क्रम में लगे हैं। मैंने बोला थोड़ा चित्र को चेंज कर देते हैं, मैं ऐसे चेंज कर दूँ इसको, क्या कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। अब आपने बोला ऐसे मैंने कैसे कर दिया, तो मैंने आर वन आर टू को श्रेणी क्रम होता है, श्रेणी क्रम में आर एस वन क्या हो जाएगा, आर वन प्लस आर टू, इसका मतलब 3 + 4 कितना, ओ 3 + 3 है ना, साढ़े तीन तीन है, 6 ओम, इसकी जगह मैंने लगा दिया 6 ओम। अब इन दोनों को हटा दिया मैंने यहाँ पे, फिर से आर एस टू, यहाँ पे क्या हो गया 3 + 3 यानी कि 6 ओम, यहाँ पे कितना आ जाएगा 6 ओम आ जाएगा, तो इसको भी हटा दिया। अब देखो दोनों जरा क्या हो गया, यहाँ पे आर फोर तक हो गया था, आर फाइव इसे मान लो, इसे आर सिक्स। अब मैंने क्या बोला आपसे, मैंने बोला देखो भैया जो है ना, अब जो है आर फाइव और आर सिक्स ये सब क्या है, ये है आपके पार्श्वक्रम में। ये कैसे लगे हैं पार्श्वक्रम में, तो आपने बोला भैया पार्श्वक्रम में है तो फॉर्मूला आप तुरंत लगा दो, 1/r5 + 1/r6। आपने बोला 1/6 + 1/6, इसे सॉल्व करेंगे, जरा सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा, 1/1 यानी कि 2/6। 2/6 का मतलब क्या होता है, 2/6 का मतलब होता है 1/3, यानी कि आरपी निकालेंगे तो उल्टा हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, आ गया 3 ओम, कितना आ गया 3 ओम। तो मैंने बोला कि इनको अगर हटाना है यहाँ पे, ये बना हुआ है 3 ओम, इनकी वैल्यू होनी चाहिए, ठीक। ये हो गया आपका आंसर, हो गया, बेहतरीन क्वेश्चन है कि नहीं है, मजा आता है करने में, इजी भी है साथ साथ। एक ये देखिए, ये भी आपका थोड़ा सा घुमा हुआ लग सकता है आपको, लेकिन है कुछ नहीं घुमा हुआ। चलो मैं इसको सीधा करके बना देता हूँ, ये ए है आपका, ये बी है। देखो नेटवर्क सॉल्व करने के लिए उसे बनाना पड़ेगा, इसे बना देते हैं हम, नेटवर्क को तभी सॉल्व करेंगे। पहले ए मैं यहाँ मान लेता हूँ, मैंने बोला कि ऐसे ऐसे आप बना सकते हो, आप देखो एक ये लगा हुआ है, फिर सेम ऐसे लगा हुआ है, फिर से यहाँ पे मैंने इसे सिंपल में बना लिया जरा। सबकी वैल्यू कितनी है, 2 2 है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। यहाँ पे बी इसको मैंने पकड़ के खींच दिया, यहाँ से दोनों तरफ से खींच दिया ऐसे करके, ए यहाँ पे आ गया, बी यहाँ आ गया। अब देखो जरा आर वन आर टू आर थ्री आर फोर और ये 5। आपने बोला कि आर वन आर टू और आर वन आर टू यानी ये दोनों जो हैं, ये और ये दोनों जो हैं, यानी कि आर थ्री आर फोर, ये सारे कैसे हैं, ये आपके समांतर क्रम में है। मैं बोलो देखो समांतर क्रम में है, तो मैं एक काम करता हूँ, पहले 1/rp1 यानी कि इसको हल कर लेता हूँ, इनको इन्हें हल करा तो मैंने क्या बोला 1/2 1/2। आपने बोला ठीक है बिल्कुल राइट है, ऐसे कर रहे हो आप, सही कर रहे हो, 2 LCM ले लिया इसका, 1 + 1 यानी कि 2/2 यानी कितना आ गया इसका 1 आ गया। आपने बोला rp1 कितना आ गया, 1 ओम आ गया, इसका भी तो क्या होगा rp2 ये भी कितना होगा 1 ओम होगा, इसे सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। अब इन दोनों को मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि आपने बोला ठीक है ये दोनों हल कर दिया हमने, इसका 1 ओम आपने सॉल्व कर लिया, इसका 1 ओम ये भी सॉल्व हो गया, ये 2 ओम पहले से दिया हुआ है। अब इसे क्या होगा, ये तीनों कैसे होगा, ये श्रेणी क्रम में हो गए नहीं हो गए, इन्हें सॉल्व करके हमने ऐसे बना लिया। अब ये श्रेणी क्रम में जब हो गए तो श्रेणी क्रम के लिए क्या है आपके पास, श्रेणी क्रम के लिए फॉर्मूला क्या होता है, आर एस होता है। आर एस क्या होता है, 1 + 1 + 2 यानी कि 2 और 2 4 ओम, कितना हो गया, बेहतरीन से आंसर आ गया 4 ओम। फटाफट किस लिए कर रहे हैं, टाइम को सेव करना है, टाइम बचाना है, तभी तो आप यूटिलाइज कर पाओगे समय का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप और भी स्टैंडर्ड लेवल के, जैसे देखो यहाँ पे ये नेटवर्क बना हुआ है, इसको अगर आपको देखना है तो आपको डिस्क्रिप्शन, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स जो होता है जहाँ पे चीज़ें आपको दिखती हैं, हैशटैग ये सब लिखा हुआ, वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा। ये मैंने पार्ट 1 बनाया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये फिजिक्स का, आपका तुल्य प्रतिरोध निकालने के लिए, तो आप वहाँ जाके इस लिंक पर क्लिक कर सकते हो, ठीक है। ये दोनों चैनल को कंबाइन करके बनाया गया है, ये वीडियो आपका पहले ही बना हुआ है। ये आप देख रहे हो कॉम्प्लेक्स नेटवर्क, इसे कैसे सॉल्व करना है, इसकी ट्रिक्स क्या है, सारे अप्रोच इसमें बता रखे हैं, शॉर्टकट भी आपको एक्स्ट्रा नॉलेज हो जाएगी, थोड़ा सा एक्स्ट्रा आपको पता चल जाएगा। प्लस कुछ स्टूडेंट्स ने प्रॉब्लम भेजे थे मुझे, उसको ही मैंने सॉल्व कर दिया था उसी। देख रहे हो आप ये नेटवर्क देखो जरा, 10th के लिए बहुत थोड़ा टफ लेवल का, लेकिन जो चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं उधर आप जाना एक बार, यहाँ पे जाके इस वीडियो को देखना, ठीक। आप अच्छा है, आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, या फिर आप इतने होशियार तो ढूंढ पाओगे, ठीक है ना। अब देखो जरा ये क्वेश्चन देखो आपका, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फिर से। इस परिपथ में बताओ, क्या बताओ, कुल प्रभावित प्रतिरोध कितना है, साथ साथ ये बता दें। इस क्वेश्चन को मैं भी होल्ड रख रहा हूँ, थोड़ा सा इसे होल्ड करके रखेंगे, नेक्स्ट टाइम में सॉल्व करूंगा, लेकिन इसको सॉल्व कर लेंगे कुल प्रतिरोध निकालने के लिए। अब देखो जरा 4 ओम
इसको मैं R1 मान लेता हूँ, इसको R2 मान लेता हूँ, इसे R3। मैंने बोला कि देखो 4 ओम और 2 ओम, 4 ओम और 2 ओम साथ में इसके लगा हुआ है एक 6 ओम, बस इतना ही तो बात है 6 ओम, बाकी सब बैटरी वैटरी को हटाओ अभी, हमें उसको कुछ लेना देना नहीं है। ठीक, कुंजी है, बैटरी है, ओम ओम कहाँ बोल्ट है, ठीक है, गलत लिख दिया है, क्वेश्चन में मिस्टेक हो जाती है थोड़ा बहुत। ठीक है, यहाँ पे ओम है। अब देखो आपने बोला कि R1 R2, यानी कि ये R1 ये R2, आपने बोला कि भैया R1 और जो R2 है ना वो श्रेणी क्रम में लगा हुआ है। कैसे लगा हुआ है वो? वो है श्रेणी क्रम में लगा हुआ। तो मैंने बोला ठीक है श्रेणी क्रम में है, तो मुझे पता है श्रेणी क्रम में क्या करना चाहिए, R1 R2 को जोड़ देना चाहिए। 4 2 कितना हो जाएगा, 6 ओम आ जाएगा। फिर आपने बोला देखो अब इसे हम और ना नेटवर्क अगर सॉल्व करना तो आप इसको ऐसे ही बना सकते हो सिंपल, लेकिन हमें पेपर में ऐसा नहीं करना होता, समझने के लिए आपको बता रहा हूँ। 6 ओम हो गया, इन दोनों को हटा के मैंने 1 बना दिया। अब ये 6 ओम पहले से, अब दोनों देखो क्या है, 1/RP, 1/6 + 1/6 सॉल्व करेंगे इससे कितना आ जाएगा, 1 + 1 कितना हो गया, 2/6। 2/6 का मतलब क्या, 1/3। RP निकालेंगे तो 3/1। ठीक, कितना आ जाएगा RP, कितना आ जाएगा, देखो मुझे फटाफट करवाने में अच्छा लगता है, ये स्लो स्लो मत करो ऐसे, मुझे टाइमिंग नहीं वो करना है। RP कितना आ जाएगा, 3 ओम। कितना आ जाएगा ये, 3 ओम। ये आ गया आपका बेहतरीन से आंसर, आ गया नहीं आ गया, मतलब जब आप खुद करोगे तो आप और अच्छे तरीके से आपको परफेक्शन आएगा इसमें। मैंने बहुत सारे सॉल्व कर रखे हैं, देखो आपके लिए क्या है, फिर आपने इतनी तरीके से मेहनत की बहुत अच्छे तरीके से, तो आपके लिए SW में 2 दे रहा हूँ क्वेश्चंस, इन्हें आप करना। ये AB है आपका, बैटरी को हटा देना साइड में, AB के बीच में कुल प्रतिरोध निकालोगे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है ये, और यहाँ पे भी क्या है कुल प्रतिरोध निकालोगे आपका, ये दिया है, ये AB है। ठीक, इसे AB मान सकते हो आप, यहाँ पे बैटरी को रिमूव कर देना, बाकी इनको सॉल्व कर लेना, ये दोनों क्या है पैरेलल में, बाकी आपको पता है कैसे करना है, मैं कुछ लॉजिक नहीं दे रहा हूँ। अभी नहीं आएगा तो आप मुझे कमेंट करना, कमेंट करोगे तभी ये क्वेश्चन का सोल्यूशन दूंगा, नहीं तो नहीं दूंगा। यूट्यूब पे कमेंट करना नीचे आप जा करके, कैसे करने हैं इसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड 2, और आपका आंसर आ जाए तो आप मुझे कमेंट में आंसर बता देना कि आपका पहले का 1 आया है, इसका 2 आया, ताकि लगे ना कि आप भी थोड़ा सा पढ़ रहे हो, मोटिवेशन में हो आप भी। ठीक, तो थैंक्स फॉर द वॉचिंग आदित्य कोचिंग क्लासेस, फ्यूचर ब्राइट हेयर, थैंक यू।